भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज सिंपली जायका के किचन में हम बना रहे हैं हेल्दी या टेस्टी टूना सैंडविच। आप इसे एज अ स्नैक्स भी बना सकते हैं, डिनर और लंच में भी बना सकते हैं, एज अ प्रॉपर मील ग्रीन सैलेड के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बॉल लिया है जिसमें हमने 3 कैंड टूना लिए है। आपका टूना जिसमें भी हो, पानी में हो या ऑयल में हो, तो वो आप ड्रेन कर लें। टूना को सबसे पहले हम श्रेड कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से वेजीज ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड हैलापिनो 1 टेबल स्पून। आप कम या ज़्यादा आपके जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड ऑनियन। हमने एक छोटी ऑनियन ली है और उसे चॉप कर लिया है। और हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्न ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना और थोड़ा सा धनिया। इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप मायोनेज ऐड करेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें क्रश ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे हम। टूना में ऑलरेडी सॉल्ट रहता है, इसलिए हमने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया। अगर आपको चाहिए तो आपके जायके के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। अब हम इसका सैंडविच बना लेंगे। अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ब्रेड लिया है। सबसे पहले हम इस पर लेट्यूस रख देंगे। इसके बाद हम इस पर एक चीज़ स्लाइस रख देंगे। और अब हम इस पर टूना मिक्सचर ऐड करेंगे। अब हम इस पर टोमेटोज रख देंगे। अब हम इसे कर देंगे बंद। ये देखें, हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसे ग्रिल कर लें या फिर आप चाहे तो इसे एज अ कोल्ड सैंडविच भी एंजॉय कर सकते हैं। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए भी एक बेहतरीन आइडिया है, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है। आप अगर बच्चों को टिफ़िन में देना चाहे तो आप इस मिक्सचर को, टूना के मिक्सचर को, एक दिन पहले रेडी करके फ्रिज में रख दें और बस सुबह इसे आप असेंबल कर लें। अगर हमारी रेसिपीज़ की वीडियोस आपको पसंद आती है तो इन्हें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।